हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक अम्ब्रेला अबाया की कटिंग करूंगी, जिसे मैं ओरेब में कट करूंगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसे मैं कटिंग, यहाँ पर मेरे पास 3.5 मीटर फैब्रिक है। 3.5 मीटर फैब्रिक पर मैं एक अम्ब्रेला अबाया की कटिंग करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छे लगने पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं आपको एक छोटी सी पेपर पीस में समझा देती हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए, मेरे फैब्रिक की टोटल लेंथ है 3.5 मीटर और इसकी फैब्रिक की चौड़ाई है 1.5 मीटर। मतलब आपको इस तरह की कटिंग करने के लिए 1.5 मीटर चौड़ाई वाला फैब्रिक चाहिए होगा। सबसे पहले हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद, ये है खुला साइड और बंद, और ये जो बंद वाला साइड है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसका जो फोल्डेड साइड है ये अपनी तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 12 पर मार्क लगाएंगे, और 12 के बाद हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 12 पर एक सीधा लाइन डालेंगे, और यहाँ पर मैंने 12 इंचेस पर लाइन डाल दिया। और ये जो मेजरमेंट है, मैं अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मेजरमेंट डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट डालिएगा। आप अपनी चेस्ट का 1/4 लीजिए। बेसिकली ये मेजरमेंट नॉर्मल साइज वालों की है, जो 5 फीट और नॉर्मल बॉडी शेप के है, इन्हीं के लिए है। और अबाया बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है, लूज फिटिंग ही होती है। तो अब 12 पर मैंने एक लाइन डाल दिया, और जिनकी जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, इनके लिए आप और नीचे एक लाइन डाल सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। प्लस साइज वालों के लिए आप 12 पर नहीं और 2 इंच नीचे आप मार्क डाल सकते हैं, और इस लाइन की भी लेंथ होगी 12 इंचेस। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। मैं यहाँ पर 55 पर मार्क डालूँगी। तो इस पॉइंट से हम 55 पर इस तरह से मार्क डाल लेने के बाद, जो खुला हिस्सा है वहाँ पर भी हम 55 पर मार्क डालेंगे। नेक की पॉइंट से हम खुले हिस्से पर भी 55 पर मार्क डालेंगे। आप इस तरह से इनको मिलाएंगे, और खुले साइड पर हमें कुछ फैब्रिक कम पड़ेगा तो यहाँ पर हमें जॉइंट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं जो कमर का शेप है इसे इस तरह से डालूँगी, और इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं है क्योंकि अबाया लूज फिटिंग होती है। आप जितना लूज रखना चाहते हैं उतना ही रखिए, और इस तरह से इसे शेप दे दीजिए। और आगे की जो बची हुई पीस है उसी में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। और इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस बची हुई पीस में से। और स्लीव्स को हम देखिए, इस फैब्रिक को हम जो हमारा लेंथ के अनुसार जिस तरफ फोल्ड करने पर हमारा लेंथ आएगा उसी तरफ हम फोल्ड करेंगे। और इसे फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले जो फोल्डेड साइड में से ऊपर से हम 1.5 इंच छोड़ देंगे, और इस तरह से ओरेब लाइन डालेंगे। इस लाइन की भी मेज़रमेंट होगी 12 इंचेस, और आपको फैब्रिक पर अच्छे से पता चल जाएगा मैं किस तरह से इसे कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्लीव है ये इस तरह से कटिंग होगी, और इसकी लेंथ भी आप अपनी हिसाब से रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर लेंथ 31 आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। आप अपनी हिसाब से अपनी नेक पॉइंट से मेज़र कीजिए अपनी स्लीव्स को, और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ डालिए। आप नेक के लिए इस तरह से बिठाने के बाद देखिए, 5 इंचेस पर इस तरह से राउंड शेप डालेंगे। आप सबसे पहले फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसकी खुली हिस्से को हम
देखिए इस तरह से और एक बार फोल्ड डालेंगे। अब देखिए जो ये है खुला साइड और बंद वाला साइड मेरी तरफ है। अब इस पर हम मेज़रमेंट डालेंगे। मैंने जैसा बिल्कुल पेपर पीस पर बताया है सेम वैसे ही मैं यहाँ पर 12 पर एक मार्क डालूँगी। और आगे से देखिए थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है वो हमारी सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। और यहाँ पर भी मैं 12 इंचेस पर एक लाइन डालूँगी। और नेक के लिए यहाँ पर होगा 2.5 इंचेस। इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर लाइन डालेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी कमर का जो शेप है इसे डालेंगे। इस तरह से सारी मार्किंग हो जाने के बाद इसकी लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। तो अब इस नेक पॉइंट से हम नेक है 2.5 इंचेस और यह है 12 इंचेस और यहाँ पर भी चेस्ट है 12 इंचेस। ये बिल्कुल कटिंग का लाइन है और हम इस तरह से सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए और एक लाइन डालेंगे जिस पर हम कटिंग करेंगे। आप ऊपर से नीचे यहाँ पर इस तरह से 55 पर मार्क डालेंगे। इस तरह से इस 55 को हम आगे ले जाते हुए पूरे खुले हिस्से तक हम खुले साइड पर भी इस तरह से 55 पर हम मार्क डालेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मिलाने के बाद इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से साड़ी कटिंग हो जाने के बाद नीचे की हिस्से पर हमें जहाँ पर थोड़ा फैब्रिक कम पड़ेगा साइड में से जो बचा हुआ पीस है इसी को ओवरलैप करते हुए बिछाएंगे और इसे हम जॉइन डाल लेंगे। तो हमारा लेंथ भी एडजस्ट हो जाएगा 4 पीसेस का। अब हम इसकी जो आगे से बची हुई पीस है इसी में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। और स्लीव्स हम बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स निकालेंगे क्योंकि ये फैब्रिक कम है तो अम्ब्रेला स्लीव्स बन नहीं पाएगा। अब इस पीस को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे जिस तरफ हमारा लेंथ आएगा। और यहाँ पर भी लेंथ मेरा कम पड़ रहा है मैं आगे से इस पर और एक पीस ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होगी 10.5 इंच और यहाँ पर लेंथ कम है आगे से जॉइन पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच नीचे इस तरह से डाउन पर 1.5 इंच डाउन पर एक पॉइंट डालूँगी और इसी पॉइंट से हम इस तरह से ओरेब में 12 इंचेस पर एक पॉइंट डालना है। तो जो हमने मेन पीस कटिंग किया था इसी को इस तरह से बिठाते हुए भी आप इसे स्लीव्स को कटिंग कर सकते हो। तो मैं इस तरह से बिठाते हुए आपको दिखा रही हूँ और इसी तरह से कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग होने के बाद और ये पीस आगे से जॉइन होगा इसकी लेंथ को कवर करने के लिए और इसकी टोटल लेंथ 31 इंच है। अब इसकी नेक को कटिंग करने के लिए एक पीस को हम हटा देंगे और फ्रंट नेक को मैं आपको कटिंग करके यहाँ पर बता देती हूँ और आप चाहो तो बैक पीस को भी नेक की कटिंग कर सकते हो। इस तरह से 5 इंच पर पॉइंट डालने के बाद यहाँ पर एक राउंड शेप डाल लेंगे। राउंड शेप डाल लेने के बाद ही इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो बैक पीस पर भी कटिंग कर सकते हो नेक के लिए। आप स्लीव्स को हम इस तरह से मेन पीस को कुलेंगे और इस स्लीव्स की पार्ट को हम इस तरह से जॉइन करेंगे।
इस तरह से दोनों स्लीव्स को फ्रंट पार्ट के साथ हम जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के साथ स्लीव्स जॉइंट हो जाने के बाद आप बैक पार्ट को भी हम स्लीव्स के साथ जॉइंट करेंगे। इसके लिए हम बैक पार्ट को इस स्लीव्स के साथ देखिए इस तरह से इसकी ऊपर राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट जॉइंट हो जाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से हम एक के ऊपर एक को रखेंगे और इसकी स्लीव से लेकर नीचे तक इसे जॉइंट कर लेंगे और इसकी नेक को भी हम ओरेप पट्टी के साथ हेमिंग कर लेंगे और नीचे की जो हेमिंग है इसे भी कर लेंगे, स्लीव्स को भी हम हेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा हो चुका है और क्योंकि ये मेरा क्लाइंट का है तो मैं इसे आपको पहनकर नहीं दिखा सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।